अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वाजिद। मैं आप सबको अपने चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट्स और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल सीरीज में वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में डाटा टाइप के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि डाटा टाइप कितनी किस्म की होती है और कौन कौन सी होती है, जिसमें इंटीजर, स्ट्रिंग और बुलियन को हमने डिस्कस भी किया था और उसका प्रोग्राम भी करके दिखाया था मैंने आपको। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इफ एल्स स्टेटमेंट को डिटेल से डिस्कस भी करेंगे और उसका प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना डेव सी प्लस प्लस को ओपन करके एक प्रोजेक्ट नया क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रोग्राम की बॉडी होती है, इसके अंदर हमने कोडिंग करनी होती है और ये लाइब्रेरी है जिसमें बिल्ट इन फंक्शंस और क्लासेस वगैरह सारा डाटा टाइप्स वगैरह मौजूद होती हैं। इसको इंक्लूड करना लाजमी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम करने जा रहे हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। फ्रेंड, इफ और एल्स ये बॉडी की ब्रैकेट है। फ्रेंड, ये जो है इफ एल्स, मैं इसको आपको ब्रीफ थोड़ा सा कर देता हूँ। लेट सपोज हमने कोई भी किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करना हो, लेट सपोज दो नंबर हैं, नंबर वन और नंबर टू, तो हमने कंपैरिजन करना हो कि नंबर वन ग्रेटर देन है नंबर टू से या नंबर टू ग्रेटर है नंबर वन से। लेट सपोज हम इसको, मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ जिसमें आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। तो इसको करते हैं इधर से रिमूव। तो लेट सपोज हम एक नंबर ऊपर डिक्लेयर करते हैं, इंट नंबर वन, जो इक्वल है 10 के, और दूसरा नंबर इंट नंबर टू, जो इक्वल है 20 के। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि नंबर वन, हमें नहीं पता ये अगर कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो अब हम इफ एल्स के थ्रू चेक करते हैं। इफ, इसका सिंटैक्स ये होता है इफ एल्स का, ये है, ठीक है। इसके अंदर अब हम लिखेंगे नंबर वन, ये वाला, ये सेम कॉपी करेंगे, इधर लिख देंगे नंबर वन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का ये सिंबल होता है, ठीक है। नंबर टू, अब ये देखें, नंबर वन ग्रेटर देन है नंबर टू से, तो क्या करे, सी आउट करवा दे। सी आउट, मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी आउटपुट, कोई भी चीज को डिस्प्ले करने के लिए, यूजर को शो करवाने के लिए हम सी आउट यूज करते हैं। अगर नंबर वन ग्रेटर देन है नंबर टू से, तो क्या करे, वो बता दे हमें कि यस नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। ठीक हो गया, ये तो हो गया काम, अगर नंबर वन ग्रेटर देन है नंबर टू से, ठीक है। अगर नहीं, नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू से, तो फिर क्या करे, तो फिर क्या करते होते हैं, एल्स, एल्स इफ, इसका भी सिंटैक्स ये है, सिर्फ हमने एल्स ऐड करना है इसमें। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, तो फिर हमें क्या शो करवा दे, सी आउट यस नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर वन। ठीक हो गया। अब फ्रेंड, मैंने किया क्या, सबसे पहले एक नंबर लिया, उसमें मैंने उसको मैंने 10 लिख दिया, नंबर टू को 20 डिक्लेयर कर दिया। फिर हम चेक कर रहे हैं इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है कि अगर पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन ये है हमारी, अगर ये ट्रू है तो इसमें आके डिस्प्ले करा देगा, इसको इसमें फिर जाने की जरूरत नहीं होती, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर नहीं ट्रू हुई तो फिर वो एल्स इफ में चला जाता है, वो चेक करेगा कि नंबर वन ग्रेटर देन है नंबर टू से, तो फिर वो ये शो करवा देगा, अगर नहीं तो फिर वो ये शो करवा देगा। चले रन करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन, सेव करवाया और रन हो गया। ये इसमें हमने कंडीशन नहीं लिखी कोई भी, इफ एल्स इफ नंबर टू ग्रेटर देन है नंबर वन के,
उसने कहा कि आपने यहाँ पे कंडीशन कोई नहीं लिखी, यहाँ पे हमने लिखा है नंबर वन ग्रेटर देन है नंबर टू से, और यहाँ पे लिखना है अगर नंबर टू ग्रेटर देन है नंबर वन से तो फिर इसको डिस्प्ले करा दे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये कंपाइल एंड रन जी, तो उसने रिजल्ट हमें दिया यस नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर वन। नंबर टू हमारा क्या था 20 और नंबर वन क्या था 10, तो सबसे पहले वो गया इस कंडीशन में, 10 ग्रेटर देन 20 से नहीं है तो वो इस कंडीशन में गया ही नहीं। चेक किया पहले उसने लेकिन इसके अंदर नहीं गया, वो एल्स इफ में चला गया। एल्स इफ में उसने जाके चेक किया कि 20 ग्रेटर देन है 10 से तो ये कंडीशन होगी ट्रू, तो उसने इसको प्रिंट करवा दिया। ये देखिए यस नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर वन। तो फ्रेंड्स हमने ये देख लिया कि इसमें नंबर वन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसमें आ जाता है, अगर ये नहीं ट्रू होती तो पहली वाली में वो प्रिंट करवा देता है। लेट्स सपोज अगर ये दोनों नंबर इक्वल होते तो क्या करता, तो हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया, उसकी रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो सबसे पहले क्या इस कंडीशन में 20 ग्रेटर देन है 20 से नहीं, तो फिर वो दूसरी में गया 20 ग्रेटर देन है, वो सेम रिजल्ट, उसने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। तो इस सूरत में क्या होता है कि इफ अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, एल्स इफ भी नहीं ट्रू हुई, तो फिर तीसरी कंडीशन होती है एल्स। अगर ऊपर वाली एल्स जो कंडीशन होती है वो हम सब सबसे एंड पे देते हैं कि अगर ऊपर वाली सारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो एल्स में हम क्या प्रिंट करवा देंगे, लेट्स सपोज हम प्रिंट करवा देते हैं कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब हम इसको कंपाइल रन करते हैं। अब देखें उसने कहा बोथ नंबर्स आर इक्वल, वो पहली में गया नहीं ट्रू हुई, दूसरी में गया नहीं ट्रू हुई, तो लास्ट वाली जो एल्स है उसमें तो उसने आना ही आना है, तो वो इसमें उसने प्रिंट कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर हमने इस जो पहली कंडीशन है इसमें हमने नंबर वन भी या नंबर टू जो है वो साथ प्रिंट करवाना हो, तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे ऐसे नंबर वन इज ग्रेटर देन, यहां पे लिख देंगे नंबर टू, यहां पे लेट्स सपोज हम इसको ग्रेटर देन कर देते हैं। अब वो इस कंडीशन में आएगा 30 ग्रेटर देन 20 से, तो वो इसमें आ जाएगा, नीचे किसी में भी नहीं जाएगा। करते हैं कंपाइल एंड रन। अब देखें उसने पहले ये इस कंडीशन में आया, चेक किया ग्रेटर देन है, फिर इसके अंदर आके उसने नंबर वन को प्रिंट करवाया 30 इज ग्रेटर देन, नंबर टू भी हमें रिमूव करना चाहिए था, इस ग्रेटर देन नंबर टू को उसने प्रिंट करवा दिया है। यानी कि इस ग्रेट ये एक अच्छा वे है, मैं इसलिए आपको गाइड कर दिया। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं, इसको जरा रिमूव कर देते हैं, मुझे अच्छा लगेगा काम। नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर वन, और यहाँ पे हम अगर इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, सारे को खत्म करते हैं और नंबर वन सिर्फ यहाँ पे इतना कर देंगे, ये स्पेस आप लाजमी देते हैं नंबर टू। अब करते हैं इसको कंपाइल एंड रन। अब यहाँ पे 40 कर देते हैं, वो इस कंडीशन में जाए। ये देखें 40 इज ग्रेटर देन 30, वो दूसरी कंडीशन में गया क्योंकि नंबर टू ग्रेटर था, 40 इज ग्रेटर देन नंबर 1 30 से। ठीक है, अब ये देख लें हमने स्पेस नहीं दी थी तो साथ में ये दोनों आ गए, तो यहाँ पे अगर हम स्पेस दे दें तो इसका ये फायदा है। ठीक है, अब हम दोनों को इक्वल करके देखते हैं, लास्ट वाली में जाता है। ये देखें लास्ट वाली में वो चला गया, ये देखिए नंबर वन को उसने प्रिंट करवाया, फिर इक्वल नंबर टू, और ये दोनों देख लें आप इक्वल हो गए, इसमें चला गया। तो फ्रेंड्स अगर हमने इधर चेक करना हो कि ये ग्रेटर देन हम चेक कर रहे हैं, अगर हमने चेक करना हो कि लेस देन है या स्मॉलर है, तो सिंपली यहाँ पे ग्रेटर है तो इसका साइन स्मॉलर देन का ऐसे होता है, और यहाँ पे भी स्मॉलर देन कर देंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं,
ये 30, अब वो चेक करेगा नंबर 1 30 लेस देन है नंबर 2 से, तो फिर वो इसमें आ जाएगा। ऑब्वियसली हमें ये 30 लेस देन है 40 से, तो इसमें अब से आना चाहिए। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, ये देखें वो पहली कंडीशन में आ गया नंबर 1, सॉरी इसमें हम लेस देन लिख देते हैं ना, ये देख लें वो पहली में आ गया, यानी कि उसने पहले चेक किया 30 लेस देन है 40 से, तो वो इसको आगे उसने प्रिंट 30 इज लेस देन है 40 से। इस तरह हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन चेक कर सकते हैं। अगर हमने यहीं पे चेक करना हो कि ये लेस देन है या इक्वल है, तो सिंपली इसके आगे इक्वल का निशान भी हम डाल सकते हैं। तो हम इधर देखें इक्वल करके देखते हैं, वो पहली वाली में आ जाएगा, इस लेस देन और इक्वल कर देते हैं। अब वो क्या करेगा, पहली कंडीशन में ही चेक करेगा कि ये लेस देन है या इक्वल है। अब वो चेक करेगा लेस देन तो नहीं है, तो बाद में इक्वल भी चेक करेगा तो इक्वल ये हो जाएंगे, तो फिर इसमें ही इसको ही प्रिंट करवा देगा वो। ये देखें 30 इज लेस देन और इक्वल 30, ठीक हो गया। तो हम एक साथ ही चेक कर सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप आज के ट्यूटोरियल में आपने इफ एल्स इफ और एल्स को कंप्लीटली मैंने आपको प्रैक्टिस करके प्रोग्राम करके समझाया। इसी तरह आप जितनी मर्जी कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इफ आएगा और सबसे एंड पे एल्स आएगा, दरमियान में एल्स इफ जितने मर्जी आप यूज कर लें। एल्स इफ यहाँ पे आप एक और चेक कर सकते हैं कि अगर नंबर 1 इक्वल टू है नंबर 2 के, ऐसे भी आप कर लें। तो यहां से आप खत्म करते हैं, तो क्या करेगा इस कंडीशन में आ जाएगा, सी आउट बोथ नंबर्स आर इक्वल। इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, ये देखें वो सबसे पहले उसने पहले वाली कंडीशन को चेक किया कि नंबर 1 लेस देन है नंबर 2 से, तो नंबर 1 लेस देन नंबर 2 से नहीं था। तो दूसरी कंडीशन में आके नंबर 2 लेस देन है, वो भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो यहाँ पे आके उसने देखा कि नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 टू के था, तो उसने इसको प्रिंट करवा दिया। एल्स वाली कंडीशन जो होती है ना, वो सिर्फ इसलिए आप याद रखने के ऊपर वाली सारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर वो एल्स में जाता है। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया। अगर लेट्स सपोज नंबर इक्वल भी ना होते, लेस देन भी ना होते, तो ग्रेटर देन होते, तो क्या होता, तो फिर इसमें आता, यानी कि ऊपर वाली सारी कंडीशन रॉन्ग होती, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेस्टेड जो इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि एक इफ कंडीशन के अंदर ही इफ और एल्स कंडीशन कैसे यूज करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो काइंडली मुझे कमेंट करके या ईमेल करके आप लाजमी मुझसे गाइडलाइन ले लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।